भारत में कोरोना की रफ्तार थमने की जगह बढ़ती जा रही है। कोरोना का कहर अब लगातार भारत पर वज्रपात की तरह साबित हो रहा है और मामले बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर से करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत अब तक 5वें नंबर पर था, लेकिन अब भारत ने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,97,000 हो गई है। इन आंकड़ों के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया है। भारत से ज़्यादा केस अमेरिका, ब्राज़ील और रूस में है। इन तीनों देशों में कोरोना पूरी तरह बेकाबू हो गया है। भारत इन तीन देशों से फिर भी बेहतर स्थिति में नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अब हालत बेकाबू होने की स्थिति में पहुँच रहे हैं। जून में भारत में हर दिन करीब 9 से 10 हज़ार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में करीब दिन में ही भारत में 1,00,000 केस बढ़ गए हैं। देश में फिलहाल कुल मरीजों की संख्या 2,97,000 है और इनमें से करीब 1,46,000 लोग कोरोना से उबरकर स्वस्थ हो चुके हैं। अब देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,42,000 है और करीब 8,500 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 75,00,000 के पार पहुँच गई है। इनमें 4,20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से 188 देश प्रभावित हैं। कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका में है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 20,22,488 है, जिसमें से 1,13,803 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में सबसे अधिक मौत न्यूयॉर्क में हुई। यहाँ 30,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। दूसरे नंबर पर न्यू जर्सी है, जहाँ 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में लगातार बढ़ते हुए मामलों के बीच खबर ये भी आई थी कि 15 जून से भारत में फिर से लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन ये खबर भी झूठी निकली और लॉकडाउन लगाने का कोई संकेत नहीं है। लेकिन भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।